हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर कोई रिस्पाइट स्क्रीन्स पे प्ले आउट नहीं हुई। ये एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड तो नहीं कहूंगा, पर पता नहीं लग रहा था अंदर से। डेटा नहीं कह रही, वो स्क्रीन नहीं कह रही थी, पर कल का डेटा थोड़ा सा इनकरेजिंग था। FIIs की तरफ से जिस तरह का इनपुट आया, बेसिकली कैश में तो खैर बेच ही रहे थे, पर वायदा में बड़े लंबे अरसे बाद मेरे ख्याल से 10,000 मोटा मोटी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे और ऑलमोस्ट 10,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काटे थे। तो ऐसा लगा यार कहीं ना कहीं हो सकता है नीचे मामला ठीक हो रहा है। नेट लॉन्ग थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वो डेटा देख के थोड़ा सा दिल में ऐसे साइड में ऐसे फीलिंग आई थी कि कुछ हो सकता है, पर हाँ भावनाओं पर जाना नहीं चाहिए, स्क्रीन पर रहना चाहिए, वो बिल्कुल सच बात है। और स्क्रीन खुली ठीक थी, उसके बाद खुलते ही धुलना शुरू और अच्छा खासा मैसिव 1.25% तक का दबाव एक समय आ गया था। गजब का पेन था, मतलब डिसअपॉइंटिंग सेशन था। चौतरफा बिकवाली, ब्रेथ डिटोरिएटिंग, एक समय तो 1:9, 1:10 की तरफ बढ़ चली थी। हाँ, क्लोज होते होते थोड़े बहुत समीकरण सुधरे होंगे, पर यार कहने वाली बात है सुधरे उधरे, डिटोरिएटेड ब्रेथ है, चौतरफा बिकवाली हावी है, सीरियस पनिशमेंट मिल रही है। कोई इंडसइंड बैंक कमजोर था यार, ठीक है नंबर कमजोर था, खराब था, 20% एक समय टूट जाना। कोई डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छे थे, रेवेन्यू बाजार एस्टिमेट से कहीं ज्यादा थे, प्रॉफिट एस्टिमेट पे थे या बेहतर थे। हाँ ये जरूर था कि जितना दिख रहा था उतना नहीं था, उसमें एडिशनल कंपोनेंट्स थे, वन ऑफ्स थे, पर फिर भी नंबर ऐसे नहीं थे कि इस तरह से धुलाई हो जाए किसी की। मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स की पिटाई देखने लायक है। तो फॉलिंग नाइफ है भाई, उसको बिना बात के कूद कूद के पकड़ने का नहीं है। जब तक स्क्रीन स्टेबल ना हो, ज्यादा रीड ना करें, ये बाजार का टेक्सचर सेलोन राइज का बना हुआ है और हम और आपके पोर्टफोलियो सीरियस नॉक ले रहे हैं। पर ये बात अलग है, अब वीकेंड आ गया है, थोड़ा सा होमवर्क करने का समय है। अच्छे स्टॉक्स, बढ़िया पेडिग्री, और पेडिग्री कुछ नहीं, अच्छी क्वालिटी, ये सोचते हुए कि जो नया संवत आने वाला है थोड़ा सा ट्राइंग होगा, ऐसा पहले से सोच लो आप। बाजार में एक्सेसिस थे, एक ही चीज थी जो गड़बड़ा सकती थी, इंडिया इंक का परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया, नतीजे खराब आने शुरू हो गए, भाव ऊपर थे, नतीजे खराब आ रहे थे, तो वैल्यूएशन का मिसमैच हो गया, मामला स्क्रीन पे दिख रहा है। और अब क्या हो रहा है, FIIDII के आंकड़ों से समझ में नहीं आ रहा, बाजार आंकड़ों के बियॉन्ड है, क्योंकि ये कोई रिटेल है, कोई HNI है जो माल छोड़े चले जा रहा है। भाई FII की सेलिंग को तो DII ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं रोज का, या अब तक का 1 लाख वो बेचता तो 1 लाख वो खरीदते हैं। मैंने कल FII के आंकड़े बता दिए आपको, इनकरेजिंग थे, तो ये कहां से आई सेलिंग? ये रिटेल पोर्टफोलियोज हैं यार, लिक्विडेट हो रहे हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स होंगे जो हाथ खींच रहे होंगे, जो भी हो आंकड़ों के बियॉन्ड है थोड़ा सा। पेन ज्यादा है, पर होमवर्क से मेरा मतलब था कि यार आ गए हैं अच्छे स्टॉक्स, बढ़िया क्वालिटी, अच्छे भाव पे। अब आने वाले समय में मौके होंगे, पर क्या खरीदना है ये आपको खुद पढ़ना है। जब आप खुद पढ़ोगे, खुद के बिलीव के साथ लोगे, तो कन्विक्शन भी उतना बेहतर हो। तब वो स्टॉक अगर 5% गिरता भी आपकी खरीद भाव से, तो आपको पता है आपने सही चीज खरीदी। किसी का सुन के जब खरीदोगे तो कन्विक्शन नहीं आएगा, 5% लगेगा पता नहीं क्या चुपका दिया, छोड़ के भाग जाओगे आप। यही होना है, यही होता है अपन के साथ। एक बार पढ़ लिख के ले लेंगे ना, तो अपना कन्विक्शन बना रहेगा स्टॉक के साथ। तो कन्विक्शन स्टॉक्स में क्या होता है, गिरेंगे तो लगेगा अरे यार और खरीदने का मौका आ गया, और डाल दो पैसा। ये फर्क है अपनी होमवर्क करने का, वो करिएगा इस वीकेंड, आपको भी करने की जरूरत है, तब कन्विक्शन बनेगा आपका। कुछ स्टॉक्स चलिए
अच्छा, आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे लाइव नजर आ रहे होंगे हम आपको। आप अपने सवाल भेजते चलिए। सबसे पहले जहां तक पेट्रोनेट एलएनजी की बात है, जो नतीजा आए थे भाई साहब, कमजोर आए थे। रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू गिर रहा है, प्रॉफिट्स गिरे, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रहे थे रीगैस के। धंधा समझा देता हूं, दो फैसिलिटीज हैं इसके पास रिगैसिफिकेशन की। पहली थी दहेज में, जो 5 MTPA की क्षमता के साथ शुरू करी थी, मेरे ख्याल से 17.5 MTPA पे खड़ी हुई है, जिसको और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। दूसरी उन्होंने कोची में खड़ी करी थी 5 MTPA की, उसकी नई क्षमता है, पहली क्षमता है। तो ये एलएनजी इंपोर्ट करके लेकर आते, स्टोर करते हैं, रीगैसिफाई कर देते हैं, लिक्विड को गैस फॉर्म में और सप्लाई कर देते हैं। यह है इनका बिजनेस मॉडल। अब इस केस में हो क्या रहा है, ऐसे ही रीगैसिफिकेशन के और प्लांट्स आ रहे हैं, जो इनके लिए कंपटीशन बनेगा। कोची का जो केपेक्स है, यूटिलाइजेशन है, सब पार है। दहेज का यूटिलाइजेशन तो खैर 108% या 100% ज्यादा था, मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि 90-95-100% के आसपास यूटिलाइजेशन नजर आएंगे, पर कोची के यूटिलाइजेशन सब पार है। तो कुछ इफ्स एंड बट्स हैं धंधे में, कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, वो सब ध्यान रखना है आपको। और इस बीच डोमेस्टिक गैस की सप्लाई वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो जितना बढ़ेगी उतना इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम होगा, उतना बिजनेस मॉडल थ्रेटन होता है। खैर, ये सब अपने अपने कंसर्न्स हो सकते हैं, सब कुछ भाव में होता है। हाँ, ये जरूर है, ब्रोकरेजेस मानती हैं कि इसके वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आता इसको मैं कंपेयर कैसे करूं, क्या किसी MGL गुजरात गैस IGL से कंपेयर कर दूं, जो बिजनेस मॉडल्स अलग हैं थोड़े से, या फिर इससे बेहतर है, मैंने इसको जब देखा था तो इसके हिस्टोरिकल एवरेजेस, ये आमतौर पर 9, 10, 11 के मल्टीपल्स पे, 12 के मल्टीपल ट्रेड करती थी, आज ये 14 के मल्टीपल्स पे है। तो हाँ, हो सकता है वैल्यूएशन ज्यादा हिस्टोरिकल लेवल्स के, ऑफलेट हिस्टोरिकल लेवल से भी स्ट्रेच है थोड़े से, तो थोड़ा सा अवॉइड ही रखिए। गैस स्टॉक्स जनरली मुझे तो लगता है इस समय अवॉइड है, वो बाकी वाले सिटी गैस वाले भी सब कितने धुल गए बीच में, MGL के भी नंबर्स खराब आए थे, तो गैस स्टॉक्स लॉजिकली अवॉइड है भाई साहब, ये ध्यान रखिए, तो दूर रहिए बेहतर है। जहां तक VIP इंडस्ट्रीज की बात है, मुझे लगता है लॉजिकली होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। होल्ड करने का रीजन बताता हूं मैं, नतीजे खराब थे इसके भी, पर मैं पेट्रोनेट के लिए ये नहीं कहा, VIP के लिए क्यों कह रहा हूं ये भी बता देता हूं। नंबर्स में रेवेन्यू फ्लैट थे, मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन है, पर हो क्या रहा है, इसने सॉफ्ट लगेज पे प्राइसिंग घटाई थी तो वॉल्यूम्स में बड़ा अच्छा उछाल था, पर जो ट्रेडिशनल चैनल्स मॉडर्न ट्रेड के थ्रू माल बेच रहे हैं, बहुत सीरियस डेंट कर रहा है ये आपके ऑनलाइन पोर्टल, ये बिग बिलियन डेज और वो सब जो डेज वेज सेल्स वेज आती है, वो धंधा तो डेंट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। पर इन सब के बावजूद एक चीज ध्यान रखिएगा, VIP इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। अगर मुझे
बैक ऑफ द माइंड सही याद है तो 36% FY24 का, बढ़ के इस समय आ गया 40% पे, तो मार्केट शेयर इंप्रूव कर रहा है और ये कंपनी अपने आप को एक बिजनेस रीजिग कर रही है, प्रीमियमाइजेशन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस है जो थोड़ा सा लॉन्ग जेस्टेशन होता है, आप धंधे को मोल्ड कर रहे हो अलग तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और मुझे नहीं पता फिर कैसे एक्चुअली प्ले आउट होगा, पर लेट्स गिव इट टू देम, मार्केट शेयर भी इंप्रूव हो रहा है और बिजनेस रीजिग कर रहे हैं, स्टॉक कूल ऑफ होके आया हुआ है, ऊपर से अच्छा खासा ठंडा पड़ गया, ये कोई शक नहीं है कि अभी भी दबाव में है स्टॉक, लेकिन है तो मुझे लगता है लॉजिकली होल्ड किया जा सकता है। जहां तक ये शैले होटल्स की बात है, मैं पहले ऑप्शन बताता हूं, शैले होटल्स है तो भाई साहब रखे रहिए, पर होटल एज अ स्पेस को लेकर मैं कॉशियस हूं, तो मैं शैलो के लिए होल्ड क्यों कह रहा हूं ये भी समझाऊंगा। होटल एज अ स्पेस में हुआ क्या था, कोविड टाइम्स में बहुत पेन झेला था इन लोगों ने, उसके बाद सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट शुरू हुए और उसके बाद पलट के नहीं देखा है, चाहे वो ऑक्यूपेंसीज हो, औसत रूम की दरें हो जिसे एवरेज रूम रेट्स कहते हैं, इवन कीज नहीं नहीं आई, मतलब खूब सप्लाई आई उसके बावजूद आप देख रहे हैं किस तरह से स्वेल कर रहा है, ऑक्यूपेंसी 75% के आसपास औसतन बनी हुई है इंडस्ट्री वाइड, औसत रूम रेट प्रीमियम चेन्स के तो 10,000 के प्लस चले गए हैं, तो ये गजब है, पर ये सब भाव में ऑलरेडी है और इसीलिए होटल एज अ स्पेस बढ़िया सा वो क्या कहते हैं रीरेट होता हुआ नजर आया, बहुत बढ़िया तरीके से रीरेट हुआ है। अब ध्यान रखिएगा जहां पे खड़े हुए हैं शायद लिमिटेड हेडरूम है ऑक्यूपेंसी और इवन ARR के औसत रूम दरों के लिहाज से, थोड़ा सा फिर कॉशियस रहने की जरूरत, सिलेक्टिव होने की जरूरत, वो जो पास्ट ट्रेंड से वो अपने आप को फिर से रिपीट नहीं कर रहे होंगे, फिर आपको उन होटल चेन से फोकस करना है जो स्मार्टली एक्सपैंड कर रही है, ये नहीं कि चौतरफा टाइप होटल्स खोलने की तैयारी, स्मार्टली कैपेक्स कर रही है वो कंपनीज जो प्रीमियम पे फोकस कर रही है, हिंदुस्तान में के वाली रिकवरी गजब है भाई साहब, तो जो होटल चेन्स प्रीमियम पे फोकस कर रही है उन पे रडार पे रखिएगा। और जहां तक ये शैले होटल्स की बात है, इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, के रहेजा ग्रुप एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर है और सामने मैरियट ब्रांड जो है वो इसके होटल्स मैनेज करता है और बढ़िया बिजनेस मॉडल है और मैंने जो चेकलिस्ट बताई सब पे टिक मार्क है, इसीलिए मैं इसे होल्ड करने की बात कर रहा हूं, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर आपको बताएगा, गाइड करेगा करना क्या है। लास्ट में एक सॉरी ये पीछे चलता रहेगा, दिवाली के मार्केट बंद हो गया ना, दिवाली के सेलिब्रेशन चल रहे हैं हर तरफ, HR कुछ इवेंट इवेंट करा रहा है। जहां तक नेटको फार्मा की बात है, मुझे लगता है इसको होल्ड की श्रेणी में रखना चाहिए, इनफैक्ट गिरे तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग कंपनी है, कहां लेना है लेना नहीं लेना वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज्यादा बेहतर बताएगा। बिजनेस मॉडल समझिए, ये कंपनी US में वो जो ऑफ पेटेंट ड्रग्स होती हैं उसमें कॉम्प्लेक्स जो जेनरिक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स पे फोकस खासतौर पे। तो बेसिकली मैंने ड्रग बनाई, मैंने R&D करा, मेरा पेटेंट है ये, पर एक लिमिटेड विंडो रहती है क्योंकि वही आम जनता की भलाई के लिए दवा सस्ती हो तो फिर वो ऑफ पेटेंट जाती है, ये कंपनी उन ऑफ पेटेंट जाने वाली कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स को टारगेट करता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ब्रांड कारोबार जो है मेरे ख्याल से 38 या 40 ब्रांड जो है इसके पास और वो भी ऑन्कोलॉजी पे लार्जली फोकस्ड, कैंसर बुरी चीज है बढ़ रही है लेकिन, और जिस कंपनी का वही धंधा है उसके लिए क्या बुरा है, तो बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है। हाँ एक चीज इसकी, एक ड्रग का नाम आपने चैनल पे हमारे मुंह से बाकी एंकर्स के मुंह से सुना होगा, रेवलिमिड, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, ये देखिए पूरा माहौल बना हुआ दिवाली का, 2 साल पहले इनके पास वो आया, 2 साल से खूब पैसा बुनाया रेवलिमिड का उस जेनरिक का,
और आने वाले एक दो साल, दो साल मतलब FY25 FY26 दोनों साल खूब कमाई होगी, ज्यादा कमाई होगी, ब्लॉकबस्टर इसके लिए ड्रग है वो, तो आने वाला समय बुरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। पर फिर FY26 के बाद स्टीप फॉल आएगा इसकी सेल्स में। मैनेजमेंट कह रहा है हम ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट टू फाइल ट्राई करेंगे ब्लॉकबस्टर ड्रग का। अब वो यू हैव टू गिव इट टू देम, ये बिजनेस मॉडल ऐसे ही होते हैं, इस बीच कुछ नया ढूंढना होगा जो खूब कमा के देगा। वो रिस्क तो रहेगा, रिस्क इस बात का रहेगा कि प्लांट्स पे USFDA की इंपोर्ट अलर्ट, गाज गिरना, वो सब है, पर इनके साथ तो यू हैव टू लिव विद देम क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस मॉडल मैंने समझाया, नियर टर्म फ्लोज बढ़िया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से 1600-1700 वाला स्टॉक 1300 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। इन लेवल्स पे यहाँ से गिरावट पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिए, जिसके पास है वो तो होल्ड करिए, जो बिजनेस अच्छा है उसे होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर से बैठ के बातचीत कर सकते हैं क्या फार्मा में अच्छा पिक है कि नहीं है, ये समझिए कि इन लेवल्स पे हर चीज़ किसी ना किसी लेवल पे अट्रैक्टिव है, मेरे लिए होल्ड है और शायद गिरावट में खरीदारी करने वाला स्टॉक है, तो ये अब आपको समझना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। चलिए इस नोट पर समेटा जाए आज के शो को, इस वार्तालाप को। आप लोग अपना बढ़िया सा वीकेंड एंजॉय करिए, अगले हफ्ते अपन फेस्टिविटीज के बीच में फिर लौटेंगे, फिर बातचीत करेंगे, ज्यादा स्ट्रेन मत डालिएगा, अब बाजार बंद हो गया, ज्यादा सोचने का नहीं है, मंडे जब खुलने की तैयारी करनी होगी तब कर ली जाएगी। हाँ, इस बीच होमवर्क करिएगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खुद सुनिएगा, लोगों को इंटरव्यू सुनिएगा, उनके चुने हुए स्टॉक, अपने चुने हुए स्टॉक सही किए, पढ़िए उनके बारे में, अपनी एक कन्विक्शन लिस्ट बनाइए। यार सेल लगी है दिवाली की, उसको वैसे ही देखिए, सेल में तो खरीदने का मन करना चाहिए सबका। होमवर्क करिए, मुलाकात होगी अब अपनी की मंडे को 3:30 बजे।